अपने याद के अक्षरों से मिलाती, मैंने उन शब्दों का मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय बाद में पढ़ना लिखना सीख गई। तो ये लड़की की पिक्चर आप देख पा रहे हैं जो कि पढ़ रही है। तो रास सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, वो स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव या भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों की शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को आज भी जो कि भारत में चुनौती है। तो राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। वे स्वयं अपने अक्षर से, अपने लेखन से उन्होंने अपने संसार को, समय की, स्त्री के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया। तो राज सुंदरी देवी अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते हैं जब उन्हें दिन दिन भर क्षण भर विश्राम नहीं मिलता, इतना समय नहीं मिलता कि वे जरा बैठकर कुछ खा लें। तो वर्तमान शिक्षा और विद्यालय की जो प्रणाली है उसको हम पढ़ते हैं तो आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनगणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों की जीवन के बारे में एक विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जाती है और उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि की जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या, स्त्री पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार जब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जो प्रतिशत है वो 40% शिक्षित था, अर्थात कि वे कम से कम अपना नाम लिख सकते, तो इसकी तुलना में लड़कियां और स्त्रियां केवल 15% शिक्षित थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की ये संख्या बढ़कर 82% हो गई और शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या 65%। इसका आशय ये हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच एक अनुपात बढ़ गया है जो कि पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब भी स्त्री की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है और इनकी बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 4, क्वालिटी एजुकेशन, समावेशी और बराबरी की शिक्षा सभी के लिए, सतत विकास लक्ष्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो कि यूनाइटेड नेशनल डीपी ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत दिखाया गया है जो कि बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां में शामिल हैं। तो ये हमारे सामने एक आंकड़े हैं जिसमें ये बताया गया है कि कितने प्रतिशत लड़के और लड़कियां स्कूल में रहते हैं, कितने छोड़ देते हैं, जिसमें कि ST और SC से जुड़े हुए लड़के शामिल या लड़कियाँ शामिल हैं। तो संभवतः अपने ऊपर ये तालिका जो अब हमने देखी है इसमें ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। और वर्ष 2011 की जनगणना से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है, यानी कि वो कम समय तक स्कूल में रहती हैं। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष बिता रही हैं। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? शिक्षा के किस स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते दिखाई देते हैं? आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों की विद्यालय की छोड़ने की दर अधिक क्यों है? तो दलित, आदिवासी, मुस्लिम वर्ग के बच्चे जो स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं, उनके अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और
गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल है ना शिक्षक हैं। यदि विद्यालय घर के पास हो और आने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस वैन आदि की व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं, वे सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में बच्चों को प्राथमिकता मिल सकती है, लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। तो ये एक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का लोगो। 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियानों के बारे में पता करते हैं। तो 10-8-6-4-2 और 0 ये लड़के और लड़कियों का प्रतिशत है। महिला आंदोलन, अब महिला और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतों और महिला संगठनों के इन आंदोलनों के कई हिस्से हैं। कई पुरुष और पुरुष जो भी हैं जो कि महिला आंदोलनों का समर्थन करते हैं और दिखाई देते हैं। इस आंदोलन में जुटे हुए लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इनमें चेतना जागृत करने और भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहां देख सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़े के ऊपर दी गई तालिका में से जो दंड आरेख के रूप में आपने दर्शाना है और दो आंकड़े हैं आपके लिए दंड आरेख के रूप में दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे हम जब देख सकते हैं ये दंड आरेख है हमारे सामने। तो ये एक चित्र है जिसमें कि महिलाएं हैं वो समानता की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, वो एक दूसरे की को सहायता भी कर रही हैं। अब अभियान, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में कानून बना है जिससे कि घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी जो सुरक्षा है वो दी जा सके। तो ये एक पिक्चर फोटो हम देख पा रहे हैं। ये जो महिला है इसका नाम सत्य रानी है और महिला आंदोलनों की एक सक्रिय सदस्य है। दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लंबे मुकदमे जो कि कानूनी है मुकदमे थे वो फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ी पर बैठी है। इस तरह के महिला आंदोलनों के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक स्थानों में जो संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। तो ये सुप्रीम कोर्ट है और ये महिला जो बैठी है जिसके बारे में भी अभी हमने चर्चा की। एक और उदाहरण देखें तो 1980 में दशक में देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नव विवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना की कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई, उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियां जो थी वो आदान प्रदान की। अंततः यह समाज का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक ये मुद्दा बन गया, ये जो बड़े हिस्से का एक सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके और जागरूकता बढ़ाने के बारे में औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी
महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों और जनसभाओं के माध्यम से वह अपना संदेश लोगों के बीच में पहुंचाती।